तो गाइज अभी मैं घूम रही हूँ चक्राता की गलियों में, मेन बाजार में यहाँ के, और बारिश होने वाली है, हल्की हल्की शुरू हो गई है यहाँ पे। मतलब मे भी हम थोड़ा सा सही टाइम देख के नहीं आए, बारिश के टाइम पे आ गए और यहाँ पे बारिशें हो रही है। ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। खाने पीने के, रहने के ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, जो है यही एक छोटी सी मार्केट है, इसी में ही है। और ये है जैन स्वीट शॉप। तो आए हम ब्रेकफास्ट करने, जिसमें मैंने लिया पकौड़े, बन मस्का, चाय। तो हमने ये तीनों चीज़ें ली है, पकौड़े, बन मस्का और चाय। और हम आए हैं इस समय जैन स्वीट शॉप में, जिनके पास मिठाई विठाई सब कुछ है, खाने पीने का ही बढ़िया है। और पकौड़े एकदम क्रंची क्रंची से है और फ्रेश फ्रेश है, सुबह सुबह के टाइम पे भी सब कुछ एकदम बढ़िया सा फ्रेश फ्रेश मिल रहा है। और हम ये सब करते हैं नाश्ता और फिर मिलते हो आपसे आगे। तो जैन स्वीट शॉप है जहाँ, उसके पीछे से ये व्यू आ रहा है उनकी बालकनी से। इनके यहाँ ऊपर रूम्स भी हैं, तो आप यहाँ पर भी रूम ले सकते हैं। 1500 से स्टार्टिंग है इनका रूम का प्राइस। और ये व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, अंकल बता रहे हैं यहाँ पे स्नो पीक्स भी दिखते हैं जब फॉग नहीं होता है। तो आपको व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हर मतलब मोस्टली हर होटल से, रेस्टोरेंट से इस तरह का व्यू दिखता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, एकदम दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है मसूरी। मसूरी बहुत भीड़ और रश वाला है, अगर थोड़ा सा ऑफ जाना है, भीड़ नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा वाली। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट भीड़ भी नहीं है उतनी ज़्यादा जितना मसूरी पूरा पैक रहता है, हर जगह दिल्ली वाले ही नज़र आते हैं, तो ऐसा सीन यहाँ पर नहीं है। आपको एक बार दोबारा दिखाते हुए क्या अमेजिंग वेदर है। A few moments later. Hello everyone, तो आपको मैं अपना रूम दिखा देती हूँ जो मैंने चक्राता में लिया था। और रूम बहुत अच्छा है और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले आपको रूम दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ ही है वॉशरूम, जो कि अच्छा खासा क्लीन था। गीज़र में भी पानी सही गर्म हो रहा था, ऐसा नहीं था कि चल रहा है और गर्म तो ही नहीं रहा। और ये बेड है, इस पर भी हमने सामान वान पटक रखा है। दो चेयर लगी हैं, टीवी लगा हुआ है, वाईफाई है। और यहाँ से ये व्यू आ रहा है, यहाँ से पूरी ये वैली दिख रही है, जो कि अमेजिंग है। और ये है मिरर। तो एकदम बढ़िया सा रूम है और रूम का चार्ज भी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। 1300 में ये रूम था, तो 1300 में नॉट बैड अ डील। बाकी हम वीकडे पे आए थे तो इसलिए थोड़ा सा कम था, रीजनेबल प्राइस था। वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता होगा। इसके अलावा एक नाइट हम यहाँ पर रुके हैं, अभी हम चेंज कर रहे हैं, दूसरा रूम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना विंडो में से बहुत ठंड ठंडी हवा आ रही है, भाई कसम से बहुत ठंड है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं दूसरा रूम देखते हैं। तो सेमी होटल में दूसरा रूम है ये, जहाँ पर अभी हम वन नाइट के लिए स्टे करेंगे। तो इसमें पूरा वुड वर्क हुआ हुआ है और अभी फ्रेश है, तो लकड़ी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी सी। मिरर अच्छा खासा बड़ा है, बेड भी किंग साइज बेड है, चेयर टेबल वगैरह सब कुछ है। और यह है वॉशरूम। तो वॉशरूम भी अच्छा खासा बड़ा है। तो गाइज आई होप रूम अच्छा लग रहा होगा। तो ये जो होटल है जिसमें मैंने रूम लिया है, उसका नाम है राजा गेस्ट हाउस, जो कि आपको जैसे ही आप चक्राता पहुँचेंगे, वहाँ से थोड़ा वॉकिंग मार्केट से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इस गेस्ट हाउस के बारे में, और जो ऑनर हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत अच्छे हैं। तो आप यहाँ पर आराम से रूम वगैरह ले सकते हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, बिना झिझक के आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं। A few moments later. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं टाइगर फॉल, और टाइगर फॉल के लिए मैंने कैब करी है, क्योंकि बारिश का मौसम प्रेडिक्शन बहुत हाई था। सुबह भी बारिश हो रही थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ गई थी, हमने स्कूटी नहीं ली। स्कूटी आप इजीली यहाँ पे रेंट कर सकते हो, तो हमने कैब ली है, ये कैब है। और बीच में हम रुके हैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, व्यू के लिए। और कसम से बाय गॉड आप देखिए कितना औसम मस्त व्यू है, और पहाड़ यहाँ के तो पूरा हरा भरा है, वर्थ इट है यहाँ पे आना। और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, नज़ारा बहुत अच्छा है। और चक्राता में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर सब कुछ बजट फ्रेंडली है,
तो अगर आप सस्ता मस्ता सा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बजट फ्रेंडली यहाँ पे खाना पीना रूम्स वगैरह देखिए, मतलब 1,500 में व्यू वाला, वैल्यू व्यू वाला आपको रूम मिल रहा है, वुडन वर्क वाला, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। उससे ज़्यादा तो आपको देहरादून मसूरी में मिल जाता है कॉस्टली। सेम खाने पीने का भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत रीजनेबल प्राइजेज हैं, 40 की मैगी, 15 की चाय, 15 का समोसा, तो वो दिल्ली वाला रेट ही है। खाने पीने का भी सेम है। वैसे यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉस्टली है वो थोड़ा कन्वेंस का, क्योंकि ऑफ लोकेशन है, यहाँ पे आने जाने के लिए आपको वही कैब वगैरह लेनी पड़ेगी। स्कूटी भी आप ले सकते हो, यहाँ पे मिल रही है रेंट पे, पर यह कि मौसम ख़राब है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है स्कूटी लेना, तो कैब से बहुत बढ़िया है। और यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, और बादल वादल सब आए हुए हैं क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हो रही थी, और एकदम खतरनाक व्यू है, गजब। और ये देखिए कितने हरे भरे पहाड़ हैं, और ऐसे ही पहाड़ को ही काट के यहाँ पर ये रास्ता बनाया हुआ है, और रोड बहुत स्मूथ है, और पूरा आर्मी एरिया, तो रोड्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ इन्होंने बढ़िया करके बना रखी है। A few inches later. तो हम पहुंच गए हैं टाइगर फॉल्स, और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर 50 रुपीज़ चार्ज है। और यहाँ पर पर्सन चार्ज है आपका, एंट्री टिकट है टाइगर फॉल्स पे जाने का 30 रुपये। और पार्किंग एरिया के बाद ऐसे छोटा सा ये ट्रैक है 100-150 मीटर का। तो चले चलते हैं, देखते हैं इंडिया का राइन फॉल्स, टाइगर फॉल्स। भाई बहुत ही गजब का नेचुरल सा एरिया है, और बहुत तेज आवाज आ रही है पानी की, और पानी का जो स्पीड है ना फॉल्स की वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है कि ऐसे आपका पूरा ये रेलिंग सा लगा हुआ है फॉर द सेफ्टी थिंग, और इसे दूर से खड़े होकर हम उसे देख सकते हैं। और यही उस वाटरफॉल का पानी है यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, कुछ लोग यहाँ पे नहाते भी है, पर आज तो मतलब मौसम अच्छा खासा ठंडा है तो नहाना वहाना तो नहीं है, हम बस देखने आए हैं। और अगर आपको नहाना है तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम और स्लीपर यहाँ पर अवेलेबल है, और ये चेंज वेंज करने के लिए बना हुआ है शायद, वॉशरूम वॉशरूम। और ये आ गए हम वॉटरफॉल पे, तो ये देखिए कितनी ऊपर से, हाँ गाइज, ये देखिए मेरे इस तरफ है वाटरफॉल टाइगर फॉल, और अभी हम यहाँ बैठे हैं और पीने वाले हैं चाय कॉफ़ी वगैरह। भाई कसम से बहुत ठंडी है, और पानी का ना मतलब इतना प्रेशर है कि इतनी दूर तक ना उसके वो आ रही है छींटे और फुहार आ रही है, और बहुत मज़ेदार जगह है। मतलब एक बार आपको ये, अगर आप चक्राता आ रहे हो और आपने ये मिस कर दिया तो चक्राता आना आपका वेस्ट है, तो यहाँ पर आप ज़रूर आए। तो यहाँ पर हम वाटरफॉल के सामने बैठे हैं, ठंड में चाय हमने लिए यहाँ पे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, और साथ में लिया ये मैगी, जिसकी क्वांटिटी मुझे आधी मैगी जितनी लग रही है, पर पैसे पूरे हैं।
तो ये है मैगी, चलो ट्राई करते हैं पहाड़ों की मैगी का तो क्या ही कहना। तो मैगी अच्छी बनी है और पहाड़ों में मैगी का तो क्या ही कहना। तो चलिए अब टाइगर वॉल हमने देख लिया, मैगी खा ली, चाय पी ली, अब मिलते हो आपसे आगे। तो यहाँ पर ये है लोकल फ्रूट इनका, जो कि शहतूत जैसा है और स्ट्रॉबेरी जैसा है, बहुत टेस्टी है, मीठा मीठा खट्टा खट्टा। और ये इनका ये पौधा है, अच्छा ये खुद भी कहीं कैसे कहीं पे भी उग जाते हैं। तो गाइज अभी हम घूम आए हैं चकराता का टाइगर फॉल्स, हमने देख लिया यहाँ का सनसेट और सनराइज पॉइंट, जिसे आप चिरमिरी टॉप भी कहते हैं। और हम घूम रहे हैं चकराता का लोकल मार्केट है यहाँ पे, यहाँ पर एक कैंटोनमेंट पार्क है जिसे हम देखने आए हैं। तो इट्स नॉट लाइक द यूजुअल पार्क्स वी हैव इन दिल्ली, मतलब ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली में पार्क्स हमारे होते हैं। ऐसा है कि धूप अच्छे से आ रही है, यहाँ पर बैठ सकते हैं और काफ़ी अलग से है, काफ़ी अलग से है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और वेदर गजब का है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, यू कांट प्रिडिक्ट। अभी धूप है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, फिर धूप हो जाएगी, बादल हो जाएंगे। तो यही है पार्क। तो पार्क के साथ आप ये कह सकते हैं कि एक सिटिंग पॉइंट है, साइट सीइंग पॉइंट है, जैसे मसूरी में है आपका पॉइंट, ऐसे ही यहाँ पर भी है ये। तो इधर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है वैली का, और यहाँ पे धूप आ रही है, खुला में है, तो धूप वूप का एंजॉय आप कर सकते हो। और एक चीज़ बहुत गजब है चकराता में कि ऐसे ही पत्थरों पर पहाड़ के किनारे यहाँ पे ना ऐसे पौधे उग रहे हैं, फूल वूल वाले, फ्रूट्स वाले, जो यहाँ के लोकल फ्रूट्स हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, तो ये देखिए कैसे अपने आप यहाँ पर ये उग रहे हैं। और यहाँ से ये पार्क से आ रहा है वैली व्यू। तो गाइस कल हम गए थे चिरमिरी टॉप स्कूटी से, और आज जा रहे हैं पैदल, और ये ट्रैक है। तो अगर आप चाहें तो आप पैदल भी चल सकते हैं, मगर थोड़ा सा ये कि नीचे तक सही है, जहाँ से टिकट कटती है वहाँ से ट्रैक थोड़ा चालू हो जाता है और हाइट चालू हो जाती है, चलने में मज़ा आ रहा है, चल सकते हो। और ट्रैक का व्यू देखिए कितना मज़ेदार है, पहाड़ों की मस्त होती है। तो गाइस इस बार हम फाइनली पहुंच गए हैं ट्रैक करके चिरमिरी टॉप। कल हम स्कूटी से आए थे, पता नहीं चला था ट्रैकिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, थक जाएंगे इसमें। आज हम पैदल चल के आए हैं, और यहाँ पर ये एक फैमिली है, हम इनके साथ आए हैं, और ये मेरी कज़न थकी भी बैठी है। तो यहाँ पे ट्रैक करके आने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चल सकते हैं, 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है, बट ये कि यहाँ पे पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, तो अपना लेके आना अगर ट्रैक पे आ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मैगी वैगी खा पी के आराम से पानी वानी लेके फिर आना। यहाँ पे झंडे झंडे से ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और एक साइड देखिए कितने बढ़िया बादल बादल हो रखे हैं, और एक साइड ये धूप आ रही है। Thank you.
रास्ते में बैठी हूँ सनसेट सनराइज पॉइंट पे, और सन अब गायब हो गया है, बट ऐसे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए कितना मजेदार व्यू आ रहा है। ये यहाँ पे हमें मिले हैं एक दीदी और एक भैया। तो आपको कैसा लगा चक्राता आना? चक्राता में आके हमें सबसे ज्यादा खुशी आपसे मिलकर हुई। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चक्राता अच्छा है, और अभी हम जहाँ आए हैं चिरमिरी पॉइंट जो है ये अच्छा है। ट्रैकिंग करने के बाद एक मतलब नेचर के एकदम पास, और बहुत सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। हाँ, और आपके आने से यहाँ की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऐसा वेदर, मतलब इतनी गर्मी में और इतना ठंडा वेदर और इतनी अच्छी सीनरी, और तो ट्रैक करके आना कंफर्टेबल है चिरमिरी टॉप तक? बिल्कुल, बल्कि कंफर्टेबल ट्रैकिंग से ही आना चाहिए। जब हम वैलीज में आ रहे हैं तो हमें यूज ही नहीं करने चाहिए वाहन तो। बिल्कुल। तो ये फैमिली मुझे मिली थी यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी फैमिली, और आप बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। तो हम वापस आ रहे हैं, और काफी टाइम हो गया, अंधेरा भी हो गया और बारिश भी शुरू हो गई है। अब हम बारिश में वापस जाना पड़ रहा है, और ये पूरा ऐसे जंगल वाला रास्ता है, पूरी साइड ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत मजेदार। तो हम आ गए ट्रैक करके और हिच हाइकिंग करके। ये वो कैब वाले हैं जिन्होंने हमें हेल्प करी थी, बारिश हो गई थी तो। और अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं, चक्राता की मार्केट, और ये खाने का एक रेस्टोरेंट है उसके सामने ही है ये चांदना। इनके मोमोज बहुत अच्छे हैं, और ऊपर एक गैलरी है जहाँ पर आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा गिफ्टिंग वगैरह का सामान मिल जाता है। और आगे है ये शॉप, और ऐसे और होटल्स वगैरह यहाँ पे हैं। तो मार्केट बढ़िया है, मज़ेदार है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो गाइज यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा चक्राता का सफ़र। अगर आपको दो दिन की कोई डेस्टिनेशन चाहिए तो आप चक्राता आ सकते हैं। आप दो दिन यहाँ पे आराम से घूमिए, इंजॉय कीजिए, तो एकदम बढ़िया वीकेंड गेटअवे आपका बन सकता है ये। या फिर आपके पास कम छुट्टियाँ हैं, दो दिन का ट्रिप प्लान करना है, बजट में ट्रिप प्लान करना है, तो उसके लिए बेस्ट लोकेशन है चक्राता। अब आपको एक बार सारा खर्चा बता देती हूँ यहाँ पे कितना कितना कैसे कैसे हुआ है, तो दैट कि अगर आप आएँ तो उतना बजट आपको रखना। तो आपका मैं बताती हूँ, पहले मैंने किया था देहरादून तक बस, मैंने एसी बस की थी क्योंकि गर्मियाँ हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा, जिसका मेरा चार्ज था 562 रुपीज़। अगर आप एसी नहीं लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल बस ले लीजिए, ऑर्डनरी 300-400 रुपये में आपकी आ जाएगी। वोल्वो लेंगे 900 प्लस में आएगी, आप पे डिपेंड करता है किस टाइप की बस लेनी है। उसके बाद आपको बस डायरेक्ट भी मिल सकती है चक्राता के लिए, या फिर आप पहले विकास नगर के लिए बस ले लें, और विकास नगर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। विकास नगर तक का 100 रुपये चार्ज है, उसके आगे आपका 200 रुपये चार्ज है, उसके मतलब टोटल आपका 800 रुपये आना, 800 रुपये जाना। रूम का चार्ज आप यहाँ पे लगा लीजिए 1200 से 2000 का, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइम पे आप आ रहे हैं, किस टाइप का रूम आप ले रहे हैं। और बाकी खाने पीने का बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे घूमने का आपका रहेगा जो थोड़ा कॉस्टली मुझे लगा, लाइक यहाँ पे आपको कैब लेनी पड़ेगी, या फिर आप स्कूटी ले सकते हैं, बट वेदर बहुत अनसर्टेन है तो आप कैब के हिसाब का रखिएगा। कुछ पता नहीं कब, देखिए अब एकदम से मैं आपसे बात कर दी थी, बात करते करते धूप आ गई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अच्छी खासी फॉगी सा हो रहा था, तो देखा मतलब वेदर बहुत अनसर्टेन है, तो कैब का हिसाब रखिएगा। एक डेस्टिनेशन का घूमने का ये 1500-2000 ऐसे चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे घूमने का उस हिसाब से आप रखिएगा, नहीं तो स्कूटी का यहाँ पे 700 रुपये चार्ज है प्लस पेट्रोल आपका खुद का, उस हिसाब से आइएगा। तो मतलब मेरे हिसाब से 5000 रुपये का अगर आप बजट रखते हैं या 6000 का रखते हैं, तो आराम से दो दिन चक्राता में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लान कीजिए।